Hello everyone, this is Manoj and in today's session I will show you how to float paper clip on the surface of liquid guys. So normally क्या होता है guys कि जब आप paper clip को water में float कराने की कोशिश करते हो so वो float नहीं होता बल्कि वो क्या हो जाता है sink हो जाता है just like this. जैसे ही मैंने यहाँ पे paper clip को float कराने के लिए रखा वो sink कर गया because of high density. बट गाइज आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पेपर क्लिप को इस वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करा सकते हैं. फॉर दिस गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर क्लिप से इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा. ये कैसे बनता है गाइज, बड़ा सिंपल है. आपका जो पेपर क्लिप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से फोल्ड होता है. आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको अपना सेंटर वाला जो पार्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड कर देना है, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सो गाइज बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमने ये जो मैकेनिज्म बना रखा है इस मैकेनिज्म के ऊपर हमें पेपर क्लिप को इस तरीके से रख देना है. एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट अप, आपको इसे ऊपर करना है और जैसे ही आप इसे पानी के सरफेस के पास ले जाएंगे आप देखेंगे कि इट कैन फ्लोट. आई शो यू वन मोर टाइम गाइज, इट्स टू सिंपल. आपने पेपर क्लिप का मैकेनिज्म बनाया है, आप क्या करेंगे एक पेपर क्लिप लेंगे इसके ऊपर रखेंगे एंड पुट इट अप और जैसे ही आप इसे वाटर के सरफेस के ऊपर रखेंगे इट कैन फ्लोट गाइज just like this. I'll show you one more time guys. So आपको क्या करना है, एक सिंपल सा जो ये mechanism आपने ready किया है इसमें आपको क्या करना है, इस paper clip को float कराने के लिए इसको इसको ऊपर रखना है. एंड after that आपको इसे पानी के ऊपर रखना है. तो आप क्या अगर देखोगे कि ये जो paper clip है ये पानी के ऊपर क्या करने लग जाती है, float करने लग जाती है. I'll show you one more time so that आप लोगों को aware हो जाओ कि आप किस तरीके से इसको कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारों को problem आता है पेपर क्लिप को वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कराने में. सो इट्स टू सिंपल. पेपर क्लिप से आप एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाइए जो 90 डिग्री के एंगल पे हो. उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर पेपर क्लिप को इस तरीके से रख देना है एंड पुट इट अप और जैसे ही आप इसे वाटर में डालेंगे ये फ्लोट करेगा जस्ट लाइक दिस गाइज. सो ये कैसे हुआ गाइज, आपको पता है कि जो पेपर क्लिप होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से तो उसे सिंक कर जाना चाहिए. लेकिन अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा पेपर क्लिप क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू हाई या हाइयर सरफेस टेंशन की वजह से. हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोहेशन फोर्स होता है जिसके वजह से सारे पानी के मॉलिक्यूल जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास आते हैं और हाइयर सरफेस टेंशन कर देते हैं, जिसके वजह से आपका जो हाइयर डेंसिटी होने के बावजूद भी जो पेपर क्लिप होते हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट कर जाते हैं. अब गाइस अगर मैं आपको इस दर की साइड ले जाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक सोप सॉल्यूशन बना रखा है. ये आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इट्स सिंपल. आप डेटॉल या फिर लाइफ बॉय का जो हैंड वॉश होता है उसे वाटर में मिक्स कर देंगे तो ये सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा. लेकिन जैसे ही हम इस स्ट्रॉ को इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद इस वाटर मॉलिक्यूल के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो रिमूव हो जाएगा और ये पेपर क्लिप नीचे गिर जाएंगे जस्ट लाइक दिस. आई शो यू वन मोर टाइम. जैसे ही हम इस डेटॉल के सॉल्यूशन को इस पेपर क्लिप के पास ले जाएंगे तो सरफेस टेंशन रिमूव हो जाएगा, जो लेयर होती है, जो परत होती है, जो सतह होती है पानी की वो रिमूव हो जाएगी और ये पेपर क्लिप नीचे गिर जाएगा. सो गाइस ये था आज का एक्सपेरिमेंट कि हाउ टू फ्लोट पेपर क्लिप ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बजाय उसकी हाई डेंसिटी होने के बावजूद भी हम वाटर के ऊपर से कैसे फ्लो करा सकते हैं. सो गाइस ऐसा एग्जांपल आपने रियल लाइफ में देखा होगा जब इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लो कर पाते हैं. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेशन फोर्स होता है जिसके वजह से वाटर मॉलिक्यूल की जो सरफेस होती है उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है और कोई भी इंसेक्ट उस वाटर सरफेस के ऊपर क्या कर पाता है, फ्लोट कर पाता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू सो मच. We'll be right back.